स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी नोट्स पीजे पर। जैसा कि कल आपका जियोग्राफी क्लास 11th पंजाब बोर्ड का पेपर होने वाला है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एग्जैक्ट पेपर प्रोवाइड कराने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। इसके पहले मैंने जो भी आपको पेपर प्रोवाइड कराए हैं सभी आपके एग्जैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अगर यह पेपर भी आपके एग्जैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके हर एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको 1 से 2 सेकंड का टाइम दूंगा, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से पेपर को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले से लेकर 6 नंबर तक आपको इंट्रैक्शन दिए हुए हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिए जो निर्देश दिए हुए हैं पेपर के पहले जाने के पहले, तो इनको सबको रीड कर लीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फिर इसके बाद जो आपका पहला पेपर का क्वेश्चन दिया हुआ था, तो आप पहले पेपर में आपके सही विकल्प दिए हुए थे, तो आप देख सकते हैं पहले से लेकर तीसरा तक का सही विकल्प आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को रुक कर भी इसे लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा से लेकर 6वां तक हमने कवर कर लिया है, इसके अलावा जो 7वां से 10वां तक आपका कवर कर लिया है, और 11वां से लेकर आपका 20वें क्वेश्चन तक कवर कर लिया है। और विद्यार्थियों, अगर आप इसका वीडियो सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैं आपको पूरा प्रोवाइड करा दूंगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, मैं पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे 20वें से लेकर 24वें तक दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं 24-25 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसको भी सेव कर लीजिए। इसके अलावा जो खंड खा है आपका, तो इसमें 26-27 क्वेश्चन दिए हुए हैं अथवा वाले, तो वो भी आप देख लीजिए। इसके अलावा जो 28वां क्वेश्चन है, तो आप इसको भी सेव कर लीजिए, इसको पढ़ के हमें आंसर देना था, तो आप देख सकते हैं पूरा 28वें अंक का दिया हुआ है, तो आप इसको भी सेव कर लीजिए, इसमें कुछ 5 क्वेश्चन करने थे हमें। इसके अलावा 29वां और 30वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 29वां क्वेश्चन यहाँ पे आप सेव कर लीजिए, और 30वां क्वेश्चन जो दिया हुआ था आप, तो इसे भी सेव कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर अवश्य करेंगे, और सभी क्लास 11 के स्टूडेंटों तक इसे ज़रूर पहुँचा दें।